नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पीएम मेरा यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, पिछली बार पैरामेडिकल स्टाफ जो आपका एग्जाम आ गए उस पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे उस वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पीएम मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, तो पिछली बार जो क्वेश्चन आए दोस्तों उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों कैसे करेंगे वो बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, जो लॉस और प्रॉफिट से जो क्वेश्चन आए थे ठीक है वो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसमें था दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये था यदि किसी वस्तु को, पहला क्वेश्चन क्या था, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 15% हानि की जगह, 15% हानि की जगह उसे 10% लाभ पर बेचा बेचा जाए तो 75 रुपए का लाभ होता है। तो करें मुझे बताइए, तो करें मूल्य बताइए। दोस्तों कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या करना है आपको, 15% और 10%। ठीक है, हमें 100 मतलब है 100 से कि हमारा वस्तु 100 के, इसने क्या किया 15% हानि पर बेचा, मतलब 85 बेच दिया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहे हैं 10% लाभ पर बेचे यदि उसको, ये हानि की जगह यदि 10% लाभ, तो 10% लाभ पर तो प्लस, तो 110। ठीक है दोस्तों, 110% दोनों का अंतर कर लो, कितना आ गया, करो दोनों का अंतर, दोनों का अंतर हम करेंगे तो ये हो गया 25%। कितना हो गया 25% अंतर आ गया। ठीक है दोस्तों, 25% बराबर कितने का लाभ हो रहा है, 75 रुपए का, तो 75 रुपए। ठीक है, तो 1% बराबर 75/25। ठीक है, इससे इसका भाग दिया, कितने कितने गए 3 बार, यानी 1% बराबर 3 रुपए आ गए। तो 100% बढ़ाना है, तो 1 से 1 को 100 से गुणा करा तो बराबर 100% बराबर हो गया 3 × 100 बराबर हो गया 300। ये क्वेश्चन था जो आ, ठीक है दोस्तों, करो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक फल विक्रेता ने रुपए पंद्रह की दर से केले खरीदे, कर 12 रुपए में 4 की दर से बेचे तो लाभ था हानि का प्रतिशत है। कुछ नहीं करना दोस्तों, 15 रुपए बराबर 6 केले हुए, 12 रुपए बराबर 4 केले। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 72 बराबर कितने हो गए 60, कितने हो गए 60। ठीक है, ये 60 है तरह मूल्य, आगे लास्ट वाला होगा तरह मूल्य, इसको नीचे ले लो। ठीक है, नीचे ले लिया, इन दोनों का अंतर कर दो, इन दोनों का अंतर कर दो, इन दोनों का अंतर किया हमने, इन दोनों का अंतर के कितना आ गया 12, तो 12 ऊपर, परसेंटेज के लिए 100, जो नीचे दिख ले रहा हूं ऊपर कर दो। क्या करना है, दोनों का अंतर किया 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 12 ऊपर आ गए। ठीक है, कर्म मूल्य हमेशा नीचे आता है, ये कर्म मूल्य है 60 रुपए कम है, ये कर्म मूल्य इसको नीचे, इधर वाले को हमेशा नीचे लेना। ठीक है, मैं ले लिया नीचे मैंने इसको। ठीक है, परसेंटेज के लिए मैंने लगाई 100, 12×5=60, इसमें दिया 20, कितने परसेंट का लाभ होगा 20%, कितने परसेंटेज का होगा 20% का लाभ हो गया। ठीक है,
देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, तीन कार्बोहाइड्रेट पट्टू 30%, 20%, 5% के समतुल्य बटा क्या होगा? 30%, 20% और 5% के समतुल्य बटा क्या होगा? देखो कैसे सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो आप मान लो समतुल्य बटा 100, क्या मानोगे? 100, ठीक है। अब इसको 100 में से निकाल दो, 100 में से 30 गए तो 70 बटे 100, परसेंटेज के लिए 100 हटाएंगे तो 20 निकाले 80 बटे 100, 100 पांच निकालो 95 बटे 100, ये वो काटो। देखो दो जीरो से दो जीरो गए, एक दो कट रहा है, तो ये होगा 7 × 95/100, ठीक है, हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर लो, या तो या बार कैसे कर लो, ठीक है, इनको इंटू कर लो। देखो इंटू कैसे करेंगे, पहले इसको आठ से कर लो, आठ आठ पंचालीस अस्सी लग चार बेटा बहत्तर, बहत्तर हो चार छिहत्तर, ठीक है, इंटू सात बटे सौ, ऐसे क्या करो, एक एक टाइप टू टाइप चला लो, ऐसे डायरेक्ट नहीं बेहतर कर दिया फिर इसको मल्टीप्लाई कर, बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसको सात से कर लो, ठीक, सात से करोगे जीरो, सात से बयालीस, उनचास और चार त्रेपन बटे सौ, ठीक है, तो ये आ गए 53.20। इसको निकालना है इसको में से दोस्तों, यहां तक कुछ ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा, ठीक है, कुछ दोस्त क्या करते हैं यहां तक छोड़ गया, नहीं इसको बाद में आपको 100 में से निकालना पड़ेगा दोस्तों, ये नेम ये, तो 100 में से निकालोगे तो 53/20 कैसे निकालोगे 100 में से, निकालने का तरीका देखो, किसी बात को नहीं आ रहा, देखो जीरो जीरो लगा दो पेन पर, 53 यहाँ, 20 यहाँ, ठीक है, जीरो आठ, क्योंकि उधार लगा ऐसे, तो यहाँ बच के 99, तो 6, ठीक है, और 5, 9 में से 5 ये तो 4, 46.80, 46.80 आ गया, कितने आ गए चलो 46.80, तो इसके आंसर क्या आ गए 46.80, तो ये आप क्या करोगे 100 − 53.20, तो आप क्या हो जाएंगे 46.80, 46.80, ओके दोस्तों। और भी आगे क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आप पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है, फिर बताइए जो कमी रह गई वो बताया करो दोस्तों, आप वीडियो देखते नहीं कुछ भी कह दो कमी है इसमें, अरे आप समझ में तभी आएगा, मैथ है भाई, सब बार बार निकालो तब मैथ समझ में आएगा, ऐसे मैथ नहीं आएगी, ठीक है, बार बार निकालो। अब मैं ये मेडिकल पैरामेडिकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही बताया जा रहा है, पहले पहले के एग्जाम में थे, जो बच्चों से सुनेंगे भाई क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे तरह से बताएंगे यदि आप कहोगे तो, लेकिन आप कॉमेंट्स करो भाई ये सर ऐसे बताओ, ऐसा नहीं वीडियो नहीं देख रहे, शेयर नहीं कर रहे, क्या मतलब यार। देखो आगे चलते हैं, ओके क्वेश्चन, पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया, तो सारे सारे का बराबर क्या करें, कैसे करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको ऐसे करेंगे, कैसे करें भाई, 100 से 35 तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर 105 वो करेंगे, अरे कुछ नहीं करना, ये इजी क्वेश्चन है, ये एक बहुत है एक सूत्र होता है उस पर चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है उस पर चलते हैं, फॉर्मूला क्या, देखो आप यहाँ से देखो ना, एक दो तीन, यानी कि ए क्यूब आ रहा है, एक दो तीन है बी क्यूब आ रहा है, इसका क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, समझ गए, यहाँ क्या बन रहा है नीचे ए इंटू बी, सॉरी सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है वो देखो फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमें ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, ठीक, क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा ये बन रहा है कैसे 735 का क्यूब माइनस 105 का क्यूब बटे एक का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, ये है ना, तो यहाँ हमें ये संख्या लिख देना, ठीक है, 735 का स्क्वायर प्लस 735 इंटू 105, ठीक है, प्लस 105 का होल स्क्वायर, हो गया,
है, तो अब देखो इसमें क्या होता है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले स्टार्ट हो डायरेक्ट आप किसी छोड़ जाए, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, यदि आपको पता लग जाएगा ये फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ। कैसे लगाओगे भाई, एक केस क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो नीचे ए स्क्वायर प्लस क्या दे रहे हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो ये यहाँ गुणा में है, ठीक, गुणा में तो कट जाएगा, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है ए माइनस बी काट दो, ए का मान लिख दिया 735 माइनस बी का मान 105 कर दो, 0 3 और 630 ऑप्शन आएगा 630 वाला ऑप्शन, ओके ये हो गया क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, आगे और कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कोई संख्या गा देता है, फिर पूछता है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने कर दिया 5 × 12 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 60, 60 में इकाई का अंक क्या होगा, 0। तो ये पूछ रहा है कि इसकी इतनी घात निकालने के बाद इसमें क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इसकी इतनी घात निकालने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, वो देखना है। कुछ ना करना इसमें दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सोचते हैं यार कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, इसमें एक फॉर्मूला है, क्या करना है 7 × 2 ना, इसमें आपको देना है 4 का भाग, कितने का भाग, 4 का भाग, 7 में 4 का भाग गया 1 पर गया, कोई मतलब नहीं है ये कितने बार जाता है उससे कोई मतलब, हमें निकालना है शेष पर, यहाँ से कितना शेष पर बचता है, ठीक है, 1 पर गया 3 हो गए 35 हो गए, ठीक है दोस्तों 35 हो गए। अब देखो 8 × 32 32 कितने बच गए, फिर 33 हो गए 8 × 32 एक बच गया, शेष पर क्या बच गया, 1 बच गया, यार शेष पर क्या बच गया दोस्तों, 1 बच गया, शेष पर कितना बच गया, 1 बच गया दोस्तों, तो शेष पर 1 बच गया, तो चलो शेष पर इसकी घात लगा दो 1 2137 की घात लगा दो, ओनली 1 घात लगाई तो कितना आ गया, 7 का 7 ही आ गया, इकाई का इकाई दाई सैकड़ा आ गया, इकाई का क्या आ गया, 7 का 7 आ गया, हो गया दोस्तों, ठीक है चलो आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखो, दूसरे क्या क्या क्वेश्चन आया था वो देख दिखा दो, आगे वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे, पहले आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या चीज होती है, वो देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो देखो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें स्वयं स्वयं यानी खुद इस संख्या खुद का भाग जाना चाहिए, मान लो 5 है 5 अभाज्य संख्या कैसे होगी, इसमें 1 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, लेकिन इसके अलावा इसमें किसी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, पॉइंट में आ रहा है वो अलग बात है, पूरा पूरा नहीं जा रहा, 8 हो गया 8 में 1 का भाग जा रहा है पक्का, 8 का भाग जा रहा है पक्का, लेकिन इसमें 2 का भी जा रहा है 4 का भी जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है दोस्तों, ये सम अभाज्य संख्या है, क्या है सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ये गलती करते हैं कि ये तो सम संख्या है अभाज्य नहीं हो सकती, ये बाकी जितनी भी देखो ये 2 ही 1 अपवाद है दोस्तों, सम भी है और अभाज्य भी, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, लेकिन 2 ही 1 अपवाद है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है दोस्तों आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है किसी संख्या संख्या 126 में 12 का भाग देने पर 6 शेष बचता है तो 5 का भाग देने में क्या हो जाए, 5 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एसएससी कंपटीशन और पैरामेडिकल स्टाफ में बहुत ही ज्यादा वेर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ संख्या छोटी है लेकिन क्या करता है, कभी संख्या बहुत बड़ी देता है, बहुत ज्यादा बड़ी, ठीक है दोस्तों बहुत ही बड़ी संख्या देता है, फिर आप कन्फ्यूज, फिर उसमें भाग दे, कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखो मेरे यहाँ ध्यान से देखना क्या करना है, 6 शेष बच रहे हैं, आप डायरेक्ट 6 में भाग दो 5 का, 6 में भाग देना 5 का, 1 बढ़ गया कितना शेष बच गया, 1 बच गया, यही शेष पर बच गया, यही शेष पर, इसमें मत देखो, इसमें यही देखना आपको 6 में दे रहा है, इसमें भाग नहीं देने की जरूरत, ठीक है इसमें नहीं देने का आपको, इसमें डायरेक्ट दे दो कितना, यदि यहाँ 4 होता तो आप डायरेक्ट 5 का भाग नहीं जाए तो 4 शेष लिख दो, ठीक है दोस्तों
आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दिया था कि पॉइंट 1.18 की बार की साधारण मीन बताओ, ये क्वेश्चन था। क्या था? पॉइंट 18 यानी कि 1.8 की बार लगी, 8 की बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेड, यानी कि पॉइंट के बाद में 0.8888 यानी कि 8 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, ये है। तो इसका बताना है साधारण मीन बताना है इसकी, तो कैसे बताओगे आप? देखो 18 को ऐसे ऐसे ले लो, ले लिया, ए पॉइंट में कितने अंक है, 2 अंक है, पॉइंट में कितने अंक है, 2 अंक है, पॉइंट बाद में 2 अंक है, तो 2 अंकों का आप लगा दो, पॉइंट बाद 2 अंक है, तो देखो इस अंक में बार नहीं है, बार वाले अंक का आता है 9, लगा दिया, ये इसमें अंक इसका आएगा 0, बार वाले अंक क्या आएगा 9, यानी रिपीटेड का आएगा 9 और बाकी बच गया उसका 0 आ गया। अब जो बच गया उसको उठा दो, एक बच गया यानी एक इसमें बार इतनी रिपीटेड नहीं, इसको उठा दो, कितने हो गए 17/90, साधारण मीन क्या हो गई 17/90। ओके सही था ऑप्शन, कैसे करोगे, बार की तो आएगा 9 नीचे, यदि आप एक 8 होता एक 7 होता तो फिर इसका 9 हो जाता, एक एक का 0 18 माइनस 17/90। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, आगे वाला क्वेश्चन देखो, 1 से 1/2, 11 से 1/2, 111 से 1/2 और 1111 से 1/2, 11 से 1/2, इसको सरल करो, इसका योग बताओ, इसका योग बताना है बराबर, इसका योग बताना है, कैसे बताओगे देखो, कुछ इसको इसका मतलब होता है 1+1/2 लिख लो, 11+1/2, 111+1/2 +1/2, इन 1/2 को अलग कर लो सबको, ठीक, 1/2 को मैं अलग कर लेता हूँ, तो 1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/11 इनको मैंने जोड़ा, ये हो गए 2, लग दो मिले, ये हो गए 4, 1, 2, 3, 4, ठीक, प्लस ये हो गया 12, 34 हो गए, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, ठीक, ये हो गए, तो ये हो गए 2+1234, यानी कि 1237, कुछ नहीं करना, हो गया। अब चलो अगले क्वेश्चन में चलते, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, देखो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है x बटे वाई बराबर 4/5, तो 4/7 +2y - x / 2x + 2y + x का मान होते हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ x बराबर 4 को y बराबर 5 मान लेना है, ये बस ऐसे कर दो, 4/7 2×5 - x, x का मान आ गया 4, 2×5 + 4, 4/7 जो कि 10 - 4/10 + 4, ठीक है, तो ये हो गए 4/7 + 6/14 एलसीएम आ गया 8+6, ये 14/14 = 1 = 1, बस हो गया। चलो आगे चलते, ये पिछले साल का जो पेपर था वो सॉल्यूशन करवाया दोस्तों, इसमें सारे मैथ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे वाले मैथ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे आपको, ठीक है, परसेंटेज में उनमें करवा दिए थे, क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन बच रहे थे वो करवा दिए मैंने, जो क्वेश्चन और रहेंगे मैं देखूंगा, ठीक है, वो करूंगा। अब हम एक पीरियड लेंगे रीजनिंग का, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखें प्राइवेट ग्रुप के, उसके बाद रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा, जैसे क्वेश्चन आए हुए थे वो क्वेश्चन सोल्व करूंगा आपको, ठीक है, ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पीएम मेरा यूट्यूब चैनल स्वागत, आप इनको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपको हम और अधिक से अधिक डाटा इनपुट कराएंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।